रघु ने पूरा किया प्रीति से किया वादा, गौतम और सोनिया की करवाई शादी। टीवी सीरियल नागिन 6 में नई कहानी दिखाई जा रही है और इस नई कहानी में प्रार्थना प्रीति बनी हुई है। दरअसल वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और प्रीति को बिल्कुल ये पता नहीं है कि उसके अंदर एक नागिन बसती है, लेकिन वक्त वक्त पर प्रीति के अंदर से प्रार्थना बाहर भी आती है, यानी प्रार्थना और महक की लड़ाई अब भी चल रही है। प्रीति 6 अनाथ बच्चों के साथ रहती है। रघु जो अलावत ज्वेलर्स का मालिक है वो प्रीति को पसंद करने लगा है, लेकिन प्रीति को अमीरों से नफरत है, इसलिए वो अपनी सच्चाई प्रीति को बताने से डर रहा था। लेकिन प्रीति के सामने रघु की अमीरी का सच आ जाता है और वो उससे नफरत करने लगती है। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट दिखाया गया है। प्रीति के साथ रह रहे अनाथ बच्चों में गौतम भी है जो सोनिया यानी रघु की बहन से प्यार करने लगता है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच सोनिया की शादी महक जो कि रघु की भाभी है वो अर्जुन से तय कर देती है ताकि उनका बिजनेस और बढ़ सके और इसी वजह से गौतम खुदकुशी का प्रयास करता है। हालांकि प्रीति उसे बचा लेती है और फिर जब रघु का सच उसके सामने आता है तो वो रघु से नफरत करने लगती है, लेकिन रघु उसे विश्वास दिलाता है कि उसने प्रीति को धोखा नहीं दिया है। अगर गौतम सोनिया से सच में प्यार करता है तो वो दोनों की शादी करवाएगा और आखिरकार रघु अपना वादा पूरा करते हुए नजर आया है। वो अपनी बहन की शादी गौतम से करवाता है। वहीं महक इन दोनों की शादी रोकना चाहती है। अब देखना ये होगा कि क्या महक इन दोनों की शादी को रोक पाने में कामयाब होगी या फिर प्रीति और रघु मिलकर गौतम और सोनिया की शादी करा कर रहेंगे। टीवी और नागिन से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।